के सो नाओ लेट स्टार्ट विद एबडाम सॉफ्ट पार्ट तो सबसे पहले वी कैन से किडनी एंड यूरिटर एंड द यूररी ब्लैटर सो इसमें हम सिर्फ किडनी की मोरफोलॉजी देखेंगे सबसे पहले अनाटमी तो उसमें क्या है कि किडनी में दो पोल्स होते हैं अपर पोल और लोअर पोल जो अपर पोल है वो ब्रोड होता है एंड जो लोअर पोल है वो पॉइंटेड होता है दो सर्फेस दो बॉर्डर्स हैं लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर एंड दो सर्फेस हैं एंटीरियर सर्फेस और पोस्टीरियर सरफेस अब इसकी साइड डिटर्मिनेशन क्या होती है अपर अपर इज ब्रोड एंड लोअर इज पॉइंटेड एंटीरियर इज इरेग्युलर एंड पोस्टीरियर इज स्मूथ जो इसका मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है जिससे इसकी पता चलता है कि कौन सी साइड की है वो है हम वी सी पेल्विस पेल्विस ऑफ द किडनी वो क्या होगा पोस्टीरियरली एंड वो डिसेंड कर रहा होगा सो so, हमें पेल्विस को ऐसी पोजीशन में रखना है कि वो पोस्टीरियर हो एंड नीचे की तरफ डिसेंडिंग पोजीशन में हो सो so, हमें किडनी की पता चल जाएगी उसके बाद है यूरेटर सो यूरेटर में वी नीड टू सी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर सो यूरेटर की कॉन्स्ट्रिक्शन की बहुत सारी साइट्स साइट्स होती है फर्स्ट इज़ पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं पहला तो इसकी स्टार्टिंग में दूसरा इसकी एंडिंग में स्टार्टिंग मतलब जब ये पेल्विस से यूरेटर बनता है एंडिंग मतलब जब ये ट्राइगोन में ओपन होता है उससे पहले जब ये यूरिनरी ब्लैडर की वोल में एंटर करता है एंड उसके ऊपर वेनट क्रॉस द पेल्विक ब्रिम उसके बाद हेयर स्टमक सो जो स्टमक है स्टमक में सबसे पहले हमें क्या क्या दिखता है तो स्टमक में सबसे पहले वी कैन सी द कार्डियक नोच जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं फिर दिस इज द फंडस ऑफ स्टमक स्टमक के पार्ट्स क्या होते हैं फंडस बॉडी एंड द पाइलोरिक पार्ट पाइलोरिक पार्ट में क्या आता है पाइलोरिक एंट्रम एंड द पाइलोरिक कैनाल उसके बाद स्टमक में नोच सबसे पहले कार्डियक नोच एंड देन वी हैव द पाइलोरिक नोच जिसमें हमें पाइलोरिक फिंगचर देखने को मिलता है एंड जहाँ पे ये क्या होता है uh, जहाँ पे ये पाइलोरिक्सिंग फॉर्म होता है उधर वी सी एंगुलर नोच और इनसे जुरा एंगुलारिस बॉर्डर्स ग्रेटर कर्वेचर विच लाइज लेटरली एंड द लेसर कर्वेचर विच लाइज मीडियली सो उसके बाद वट इज द बेयर बेयर एरिया ऑफ स्टमक द एरिया विच इज़ इन विच इज़ डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द डायफ्राम उसके बाद on the pyloric sphincter we see pre pyloric vein of meo then we come to see the uh, arterial supply of stomach we have the uh, celiac trunk from celiac trunk the first branches right gastric artery uh, sorry uh, left gastric artery and left a a gastric artery supplies the lesser curvature then we have the splenic artery जो कि पोस्टीरियरली रन करती है एंड दो ब्रांचेस देती है। फर्स्ट इज आर्टरी नंबर थ्री एंड देन वी हैव दफ्ट लेफ्ट एपिप्लोइ आर्टरी नेम फोर उसके बाद अनदर ब्रांच ऑफ द सीलिया ट्रंक इज द प्रोपर कॉमन हिपैटिक आर्टरी फ्रॉम दिस द एक ब्रांच आती है हमारी लेफ्ट गेस्ट्रिक आर्टी आ आर्ट्री विचस्टमो एनेस्टेमोसिस विद द राइट गेस्ट्रिक आर्ट्री दैन वी हैव द पेनक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्ट्री विच क्रिव गिवस राइट गेस्ट्रोएपिप्लोइक आर्ट्री विच एनेस्स्टेमोसिस विद द लेफ्ट गेस्ट्रोएपिप्लोइक आर्ट्री सो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक आफ्टर दैट वी सी स्प्लीन जो जो स्प्लीन है स्प्लीन के सबसे पहले लोकेशन सो इट इज़ लोकेटेड इन लेफ्ट हाइपोकड्रियम एंड एपीगेस्ट्रिक रीजन सो जो स्प्लीन है इसके दो एंडस हैं एंडीरियर एंड इज ऑल्सो नोन एज द लेटरल एंड एंड पोस्टीरियर एंड इज ऑल्सो नोन एज द मीडियल एंड द पोस्टीरियर एंड इज राउंडेड एंड इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द अपो पोल ऑफ लेफ्ट किडनी सो नाउ जो हमारा स्प्लीन है इसके दो सरफेस होते हैं इसके नैटमिकल पोजीशन है जो जो दो सरफेस होते हैं फर्स्ट इज़ अ डाइफ्रोमेटिक सरफेस, जो कि इधर जिस सरफेस पे हमारा हैंड लगता है दैट इज़ अ डायफ्रोमेटिक सरफेस, एंड जो सरफेस हमें विजिबल है दैट इज़ अ विसरल सरफेस। तीन बॉर्डर्स होते हैं सुपीरियर बॉर्डर विच इज़ नोच्ड नियर द इंटीरियर एंड देन वी हैव द इन्फीरियर बॉर्डर एंड देन वी हैव द इंटरमीडिएट बॉर्डर जो कि हाईलमो स्प्लीन के नीचे से जाता है ऑन द विरल सर्फेस देन uh, जो लिगामेंट्स है दो स्प्लीन के फर्स्ट इज द गेस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट देन इज द लीनो रीनल लिगामेंट गेस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट के कॉन्टेंट्स क्या है गैस्ट्रिक वेसल्स लिम्फैटिक्स एंड द सिम्फैटिक नर्व लिनो रीनल लिगामेंट्स के क्या कॉन्टेंट्स है टेल ऑफ पेनक्रिया स्प्लीनिक वेस्ल्स लिम्फैटिक्स एंड द सिम्फैटिक नर्व नाउ वट आर द विसरल रिलेशन ऑफ द विसरल सर्फिस ऑफ स्प्लीन सबसे पहले uh, जो हमारा इंटरमीडिएट बॉर्डर है उसके नीचे रीनल इम्प्रेशन एंड उसके ऊपर गेस्ट्रिक इम्प्रेशन एंड एंटीरियरली वी हैव द कोलिक इम्प्रेशन एंड हाई लम से थोड़ा सा इंटीरियरली वी हैव पेनक्रियाटिक इम्प्रेशन तो जो हमारा एंटीरियर एंड है उसके लेटरली एंटीरो एंटीरोजल एंगल जिसे हम क्लिनिकल एंगल कहते हैं क्योंकि स्प्पिनो मेगा में सबसे पहले यही पार्ट जो है वो एनलार्ज होता है एंड मीडियली वी हैव द पोस्टीरो बेजल एंगल अब वट इज़ द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्प्लीन इट इज बाय स्प्लीन आर्टरी एंड जो आर्टीरियल सप्लाई है इसकी थ्री थ्योरीज होती है क्लोज थ्योरी ओपन थ्योरी एंड कॉम्प्रोमाइज थ्योरी क्लोज थ्योरी क्या कहती है कि जो स्प्लीनिक आर्टरी में कैपिलरीज फॉर्म होती है वो और वीनस साइनोसोइड्स दे आर जॉइंट एंड जो ओपन थ्योरी है वो कहते हैं कि दे आर नॉट जॉइंट कॉम्प्रोमाइज थ्योरी क्या है कि अगर स्प्लीन डिस्ट रिलैक्स uh, स्टेज में है तो तो ओपन सर्कुलेशन होगी लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो वो क्लोज सर्कुलेशन होगी

तो अब जो पेंक्रियास है, पेंक्रियास का जो है का पार्ट्स वी हैव हेड नेक बॉडी एंड टेल एंड हेड के नीचे एक प्रोसेस होती है अनसिनेट प्रोसेस तो अभी और तो जो हमारा नेक है नेक के सुपीरियर बॉर्डर पे एक स्वेलिंग टाइप दिखती है उसे हम कहते हैं ट्यूबर है, और तो इसके तीन बॉर्डर्स है मतलब जो पूरा अगर हम एक कंप्लीट पेनक्रियाज लें या सिर्फ हेड हेड में क्या होता है सुपीरियर बॉर्डर इन्फीरियर बॉर्डर एंड राइट लेटरल बॉर्डर एंड जो हमारी टेल है जो टेल का रिलेशन uh, अभी हम कह सकते हैं इट गोज इन टू जो स्प्लीन है पोस्टीरियर इसके के स्प्लीन होता है या विसरल स्प्लीन के विसरल सर्फेस पर पेनक्रियाज है एंड देन वी हैव द स्टमक सॉरी लेफ्ट किडनी होती है वे लेफ्ट सुपरारिनल क्लांट उसके बाद ये हमारा स्प्लीन तो जो, जो स्प्लीन है स्प्लीन में सबसे पहले वी विल सी हेड ऑफ स्प्लीन तो जो, जो हेड ऑफ स्प्लीन है स्प्लीन ऑफ हेड ऑफ स्प्लीन के तीन बॉर्डर है सुपीरियर बॉर्डर इन्फीरियर बॉर्डर एंड राइट लेटरल बॉर्डर सुपीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू सुपीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूड आर्ट्री इन्फीरियर बोर्डर इज रिलेटेड टू इन्फीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूटिनल आर्ट्री एंड द राइट लेटरल बोर्डर इज रिलेटेड टू एनेस्टमोस बिटवीन द सुपीरियर एंड इन्फीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूटिनल आर्ट्री और जो हमारा हेड हैड के एंटीरियरली सुपीरियर हेड के इंटीरियरली कौन से वेसल्स चाहते हैं सुपीरियर मिजेंटरिक वेसल्स तो अभी जो हेड है हेड के अगर हम पोस्टीरियर रिलेशन देखें तो पोस्टीरियरली वी सी इन्फीरियर वेना कावा एंड जो रीनल रीनल वेन्स है दोनों साइड की एंड बाइल डक्ट एंड जो हमारी अनसिनेट प्रोसेस है उसका पोस्टीरियर रिलेशन इज़ आउल्टा एंटीरियर रिलेशन क्या है सुपीरियर मिजेंटरिक वेसल्स देन वी कम टू तो नेक तो जो हमारी नेक है एंटीरियरली इट इज़ रिलेटेड टू पाइलोरस ऑफ द स्टमक एंड पोस्टीरियरली इट इज़ रिलेटेड टू पोर्टल वेन एंड द स्प्लिनिक वेन ठीक है तो ये क्या होता है कि जो स्प्लिनिक वेन और सुपीरियर मिजेंटरिक वेन है ये जॉइन कर कर पोर्टल वेन बनाती है आफ्टर दैट वी कम टू टेल तो जो टेल है उसके तीन बॉर्डरस हैं एंटीरियर बॉर्डर सुपीरियर बॉर्डर एंड द इंपीरियर बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू रूट ऑफ ट्रांसफर्स मीजो कोलोन एंड जो हमारा सुपीरियर बॉर्डर है इट इज़ रिलेटेड टू सीलिया ट्रंक ठीक है एंड टेल का पोस्टीरियर रिलेशन क्या है लेफ्ट किडनी एंड स्प्लीन सो जो हमारा पेनक्रियाज है वी विल सी पेनक्रियाज की सप्लाई ब्लड सप्लाई सो एक तो सीलिया ट्रंक की दो ब्रांचेस फर्स्ट इज अ स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीनिक आर्टरी गिव्स मेनी पेनक्रियाटिक ब्रांचेस एंड अ लार्ज आल्टीरिया पेनक्रियाटिका मैगना then there is superior mesenteric artery which gives inferior pancreatico artery and then there is gastro duodenal artery which gives superior pancreatico artery take care, stomach there was gastro duodenal and either pancreas is pancreatico duodenal artery सो जो वीनस सप्लाई है दैट इज सेम सुपीरियर टू फॉर्म पोर्टल वेन देन लिम्फाटिक में देर इज पेनक्रियाटिक्लीनिक लिम्फनोट सीलियानोट एंड सुपीरियर मिजेंटरिक लिम्फनोड सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेनक्रियास नाओ जो किडनी है किडनी के पहले हमने सिर्फ ऊपर ऊपर सेनाटमी देखी थी नाव यू विल सी सी देर इज अपो पोल देर इज लोवो पोल डायरेक्शन हम कैसे डिटर्माइन करते हैं साइड डिटर्मिनेशन जो हमारा रीनल पेल्विस है ये पोस्टीरियरली होगा एंड ये नीचे डिसेंड करेगा एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो हमारा किडनी है उसके हाइलम के कॉन्टेंट्स क्या हैं रीनल वीन रीनल आर्ट्री एंड रीनल पेल्विस रीनल पेल्विस विल बिकम यूरेटर एंड लोवो पोल उसके बाद किडनी का जो हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर है That is something like this. We see outer cortex and inner medulla with pyramids. We can also see renal sinus with pelvis becoming ureter. After that, seeing the histology of kidney, uh, this is the histology of kidney cortex. We can see glomerulus, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, collecting tubule, and the capillary. उसके बाद ये हमारी किडनी है तो किडनी में इसमें हमें क्या देखना ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई और लिम्फैटिक सप्लाई तो जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होता है कि जो, जो हमारी रीनल आर्टरी से सप्लाई करती है रीनल आर्टरी पांच सेगमेंटल आर्टरीज देती है फोर एंटीरियर ब्रांच से एंड वन पोस्टीरियर ब्रांच से तो ये है किडनी का सजाइटल सेक्शन जो पांच सेगमेंटल आर्टरी है डिपेंडिंग कि वो किस रीजन में सप्लाई करती है किडनीज डिवाइडेड डिवाइड इंटू फाइव पार्ट्स सजाइटल सेक्शन में वी कैन सी ऊपर है एपिकल नीचे है लोअर पार्ट देन वी कैन सी पोस्टीरियर पार्ट एंड द इंटीरियर इज डिवाइडेड इंटू अपर एंड द मिडल पार्ट फिर है रीनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एब डोमिनल कौन से लेवल पर एल टू लेवल पर फिर रीनल आर्टरी गिव सेगमेंटल आर्टरी जो कि देंगी लोबर आर्ट्री लोबर आर्टरी देंगी इंटर लोबर आर्टरी देन आर्कुएट आर्टरी इंटर इंटरलोब्यूलर आर्टरी देन एफरेंट आर्टीरियल गोज टू ग्लोमेरुलस देन ईफर एंट फिर वो बनाएंगे पेरी ट्यूब्यूलर प्लेक्सस एंड ये सारा सेम होगा जैसे इंटर इंटरलोब्युलर वेन आर्कुएट वेन एंड देन इट फाइनली बिकम्स रीनल वेन विच ड्रेन्स इन टू इन्फीरियर वेना कावा सो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं सेगमेंटल तक तो हमें पता है देन वी कैन सी एल आई ए सो इट इज़ अ लिया सो लिया लोबर इंटरलोबर आरकुएट देन उल्टा कर देंगे इंटरलोब्यूलर ए फरन के बाद फिर सारा सिमिलर होगा वीनस रेनेज इज द सेम नर्व सप्लाईज बाय रीनल प्लेक्सस, व्हिच इज ब्रांच ऑफ सिलियाक प्लेक्सस, लिम्फेटिक सो द ऑल द लिम्फनोड रेन्स इन टू लेटरल आउटिक लिम्फनोड्स एंड दिस ऑल अबाउट किडनी ओके सो किडनी किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल इट इज़ कवर्ड बाई पेरिटोनियम ओनली एंटीरियरली सो जो कैप्सूल ऑफ किडनी है इन 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 टू आउट किस से कवर्ड होते हैं किडनी सबसे पहले फाइब्रस कैप्सूल होते हैं देन देयर इज पेरी नेफ्रिक फैट या पेरी रीनल फैट देन वी सी रीनल फेशिया रीनल फेशिया की दो लेयर्स होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर एंटीरियरली जो किडनी को कवर करती है दैट इज फेशिया ऑफ जकर लैंड एंड पोस्टीरियर इज फेशिया ऑफ गर्टिया ओके फेशिया ऑफ गरोटा तो ये जो दोनों लेयर्स है दे फ्यूज लेटरली टू फॉर्म लेटरल रीनल फेशिया रीनल फेशिया के ऊपर सबसे बाहर क्या है पैरा रीनल फैट या पैराफ्रिक फैट ओके आफ्टर दैट वी कैन सी कोटेक्स मेड्यूला विथ पिरामिड एंड देन रीनल साइनस पेल्विस एंड यूरेटर सो अभी जो हमारा किडनी है किडनी के रिलेशंस देखेंगे जो ये है हमारा इंटीरियर सर्फिस ऑफ लेफ्ट किडनी तो लेफ्ट किडनी में हमें क्या करना है साइड में एक लाइन एंड देन लेटरली एक लाइन बना दी एंड मीडियली फोर लाइन्स सो जो साइड वाला पार्ट है सो so सबसे ऊपर है सुपरा रीनल एरिया एंड एस से ही लेटरली uh, क्या होता है स्प्लीनिक एरिया दैन वी हैव अ निमोनिक गोपी इन जार खंड तो जी से गैस्ट्रिक एरिया उसके नीचे पी से पेनक्रियाटिक एरिया देन जे से जेजनल एरिया एंड खंड के कर्स से कोलिक एरिया एंड द राइट किडनी राइट किडनी में भी हमें क्या करना है सो पीरियडली और जो राइट right किडनी है उसके मीडियली एक लाइन होती है विच इज़ फुल ड्यूडिनम देन वी हैव थ्री लाइन्स उसमें क्या सबसे ऊपर सुपरा रिनल ग्लैंड होगा कोर्स देन वी कैन रिमेंबर बाय एच सी जे हिपैटिक एरिया कोलिक एरिया एंड द जेजनल एरिया द पोस्टीरियर सर्फिस ऑफ राइट किडनी सबसे पहले देर इज अ मीडियल आर्कुएट लिगामेंट आर्कुएट लिगामेंट इन दोनों के ऊपर का कैरिया रिलेटेड टू डायफ्राम देन देर आर थ्री मसल्स फ्रॉम मीडियल टू लेटरल वी कैन रिमेंबर बाय पी क्यू टी सुस मेजर क्वाड्रेटस लंबोरम

एंटीरियर सर्फेस तो जो हमारा लीवर है लिवर में लिवर इज़ पिरामिडल इन शेप इसके पाँच सर्फेस होते हैं सुपीरियर इन्फीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर एंड राइट सर्फेस तो जो एंटीरियर सर्फेस है उस पर सबसे पहले इन्फीरियरली लिगामेंट एमटीरियज दैन इट बिकम्स वेल्थी फॉर्म लिगामेंट एंड लेफ्ट साइड पर इट फॉर्म्स लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट एंड राइट साइड पर इट फॉर्म सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट अब पोस्टीरियर एंड इंफीरियर सरफेस पे ओके okay. सबसे पहले वी, uh, हम कैसे पता करते हैं कि सा है? right तो कौन सा सरफेस है इनफीरियर वेना कावा वेना कावा कम्स ऑन द साइड ऑफ राइट लोब तो पोस्टीरियर सरफेस पर इन लोब्स को डिफ्रेंशिएट कौन करता है वी फिश फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम जो कि लेफ्ट साइड पे देता है लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट एंड राइट साइड पे सुपीरियर लेनरी लिगामेंट एंडगामेंट देर इजाप्ट एंड लिगामेंटम टीरिज ओके जो पोर्टा हिपाइटिस है इट कंटेन्स हिपैटिक आर्टरी पोर्टल वेन एंड देन देर इज हिपैटिक डट उसके नीचे वी है एंटीरियरली दो नोच होती है लिगामेंटम टीरिस के लिए इंटर लोबार नोच एंड गोल ब्लैडर के लिए सिस्टिक नोच सो पोस्टीरियर सर्फिस इंफीरियर सर्फिस पर हमें दिखता है गोल ब्लैडर एंड देन बिटवीन द गोल ब्लैडर एंड द लिगामेंटम टीरिज इज द कोर्डनेट लोब सिमिलरली बिटवीन द लिगामेंटम विनोसम एंड द इन्फीरियर विनाकावा वी एव द कोडेट लोब नो सिंग द रिलेशन द पोस्टीरियर सर्फिस उससे पहले जो कोडेड लोब है वो लेफ्ट साइड पर गिव्स एक पेपिलरी प्रोसेस एंड देन हम पहले लेफ्ट सर्फेस ऑफ लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में देर इज ईसोफेगल इम्प्रेशन गैस्ट्रिक एरिया एंड द पाइलोरिक एरिया पाइलोरिक एरिया के ऊपर वी हैव ट्यूबर ओमेंटेल विच इज रेस्ड एरिया जो कि लेसर ओमेंटम के कॉन्टेक्ट में आता है राइट right लोब में वी हैव राइट रीनल इम्प्रेशन ऑन द सुपरा रीनल इंप्रेशन Then we have the colic impression and then the duodenal impression. Arterial supply 20% is by hepatic artery and 80% by the portal vein. Depending on the art, uh, segments supplied by uh, these arteries, so um, jo, uh, liver uh, hepatic segments may divide kerte. right lobe is divided into anterior and the posterior part, and left lobe is divided into the medial and the lateral part. एट सेगमेंट्स होती है नेम्ड एज शोन इन द फिगर उसके बाद वट आर द बेयर एरियाज ऑफ लीवर फर्स्ट ऑफ ऑल द बेयर बेयर एरिया जो नाम ही था कोरोनरी so, लिगामेंट और ट्राइंगुलर लिगामेंट के बीच में देन ग्रुप फॉर इन्फीरियर विना कावा फोसा फॉर गोल ब्लैडर एंड एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम एंड लिगामेंटम विनोसम सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सॉफ्ट पार्ट ऑफ एबडोम थैंक यू